अब से किचन का और घर का मुश्किल काम होगा आसान। जी हाँ, कुछ ऐसे ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आप सबके बीच में मैं फिर से हाजिर हो चुकी हूँ, जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ही काम आने वाले हैं। और इन टिप्स का यूज करके फ्रेंड आप अपना समय तो बचाएंगे ही, साथ में पैसों की भी बचत होगी। तो इस चैनल पर मैं आपके लिए छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड आइडियाज लेके आती रहती हूँ, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टिप्स। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, आज की टिप आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो पहली टिप फ्रेंड मेरी ये रिमोट को लेकर है। रिमोट तो हम सब यूज करते ही हैं, टीवी का रिमोट होता है या एसी का रिमोट होता है, तो ये तो हमारी लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा है। बच्चे भी टीवी देखते हैं और बड़े भी टीवी देखते हैं, लेकिन हम ये इसके सेल हैं जो कई बार हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हम इनको सेल को ऐसे ही डाल रख देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन आगे से आप देखिए सेल को ना, इसमें से कहीं अगर आप जा रहे हैं पिकनिक पे जा रहे हैं या एक वन वीक के लिए जा रहे हैं, तो आप इनको सेल को इसमें से ज़रूर निकाल कर जाएं। नहीं तो अगर आप सेल को इसमें रखेंगे तो ये जो पीछे जो इसमें स्प्रिंग लगा रहता है इसमें जंग लग जाता है और सेल भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसको आप ना देखिए निकाल लें ज़रूर, और उसके बाद ये सेल गुम भी हो जाते हैं। तो गुम ना हो इसके लिए भी मैं आपको खास टिप बताती हूँ, जिससे आपके सेल बिल्कुल भी गुम नहीं होंगे। अपना रिमोट पे ना देखिए सेल को ना ऐसे पीछे की तरफ ऐसे लगा लीजिए। उसके बाद ना आप एक सिंपल सेलो टेप ले लीजिए। सेलो टेप आप कोई भी लीजिए, चाहे पतली हो पतली ले लीजिए, चौड़ी हो चौड़ी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। और उसके बाद देखिए आप ये इन पे सेल पर और ये रिमोट पर ऐसे सेलो टेप लगा दीजिए और उसको हम कैंची से कटिंग कर लेंगे। बस उसके बाद जब भी आप अगर आपको रिमोट में सेल डालने हो, सेल भी आपके गुम नहीं होंगे, क्योंकि इधर उधर रख देते हैं तो गुम हो जाते हैं, तो इसमें ही आप सेल लगा के रखेंगे। तो जब भी आपको इसकी ज़रूरत होगी आप इसमें ही डाल दीजिए। एसी वगैरह के लिए भी आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं, बहुत ही यूजफुल टिप है। तो आई होप आपको ये अच्छी टिप अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप फ्रेंड मेरी ये प्रेस को लेकर है। प्रेस तो हमारी डेली लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है और सब हम सब यूज करते ही, बिना प्रेस के हम कभी कपड़े पहनते ही नहीं हैं। लेकिन इसको प्रेस को यूज करते करते इनके ये जो होल्स होते हैं ना, ये बंद हो जाते हैं, जिससे इसमें स्टीम आना प्रॉपर बंद हो जाता है और कपड़े अच्छी तरह प्रेस नहीं होते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको खास टिप बताती हूँ। इस टिप को फॉलो करके आपके प्रेस के होल बिल्कुल भी कभी भी बंद नहीं होंगे। तो आप ये देखिए टूथपिक ले लीजिए एक, और टूथपिक से देखिए ऐसे जो इसके होल है ना, होल में से ऐसे टूथपिक को आराम आराम से एक एक होल पे ऐसे घुमा घुमा कर साफ कीजिए। तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी जो इसमें अंदर मिट्टी होती है, क्योंकि प्रेस ऐसी है फ्रेंड, प्रेस यूज करने के बाद इसको हम ढक कर तो रख नहीं सकते क्योंकि गर्म होती है, इसको हम खुला ही रखते हैं और मिट्टी तो कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। तो वो जो मिट्टी इसमें जाती है वो हमें पता नहीं चलती है कि इसमें मिट्टी गई हुई है, और फिर जब प्रेस करते हैं तो इसमें ये स्टीम नहीं आती है। तो इस तरह से देखिए आप टूथपिक से इसको साफ़ कर लीजिए और इस तरह से इसको आप झाड़, उसके बाद हल्का हल्का ऐसे झाड़ लीजिए और जो इसमें मिट्टी होगी हल्की फुल्की वो निकल जाएगी और अच्छी तरह से इसमें स्टीम आने लग जाएंगी। जब आप कपड़े प्रेस करोगे तो आपको खुद फ़र्क महसूस होगा। तो इस वाली छोटी सी टिप है, इस वाली टिप को भी एक बार फॉलो करके ज़रूर देखें। तो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप फ्रेंड मेरी जैम की बोतल को लेकर है। जैम तो सब खाते ही हैं, और जिनके घर में बच्चे होते हैं, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, वो पराठों के साथ भी खाते हैं और इसको ब्रेड के साथ भी खाते हैं। लेकिन जब इसको हम खोलते हैं और इसकी पैकिंग होती है, जो इसको खोलने में हमें काफ़ी दिक्कत आती है, तो उसके लिए हमें बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपको खास टिप बताती हूँ। तो देखिए जैसे ये साइड में जो इसका ये लगा हुआ है, जो इस पर प्लास्टिक लगा हुआ होता है, उसे आप चाकू से हल्का हल्का सा कटिंग कर लीजिए। उसके बाद देखिए आप इसके ये जो ऊपर का प्लास्टिक है इसको उतार दीजिए। देखिए काटने के बाद भी ये बहुत ही मुश्किल से निकलता है, तो इसको हम ज़रा सा और कटिंग कर लेंगे, उसके बाद ही आसानी से निकल जाएगा। तो आप ध्यान से और धीरे से चाकू से करें। तो देखिए अब ये सारा प्लास्टिक हम इसके ऊपर से, जो इसकी पैकिंग हो रखी है, निकाल लेंगे। उसके बाद भी इसको खोलने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि ये बहुत टाइट होता है इसका ऊपर का ढक्कन। तो इसको हम खोलने के लिए देखिए जो अदरक जिसे कूटते हैं उसको मैंने लिया है, और उसको हल्का हल्का सा देखिए इस तरह से आप ढक्कन का ऐसे हल्का हल्का सा कीजिए, और उसके बाद ये आपका ये आसानी से खुल जाएगा। ये फ्रेंड ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही यूजफुल है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें अक्सर सॉल्व हो
नहीं होती है हमारी, तो ये ऐसे करके आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड आपको मेरी ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टॉफी के डिब्बे को लेकर है, तो टॉफी तो बच्चे सबके घर में बच्चे टॉफी खाते ही हैं, और उसके बाद हम इस बॉक्स को फेंक देते हैं। लेकिन इसका मैं ऐसा यूज बताऊंगी कि आप इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो देखिए मैंने ये डबल साइडेड टेप ले ली है, ये डबल साइडेड टेप लेकर मैं इस पर कटिंग कर मैं इस पर बॉक्स पर चिपकाऊंगी। उसके बाद आपको देखिए मैं बताऊंगी कैसे आप बहुत सारे पैसों की अपनी सेविंग कर लेंगे। अगर इस वाली टिप को फॉलो करेंगे तो आप भी कहेंगे वाव सच में ये बहुत ही कमाल की टिप है। तो देखिए इस तरह से आप ये डबल साइडेड टेप फ्रेंड इस पर चिपका लीजिए और ऊपर से इसको उतार दीजिए। फ्रेंड हम मार्केट से स्टिचिंग वगैरह का सामान रखने के लिए बहुत महंगे महंगे बॉक्स लेके आते हैं, जिसमें हम रील वगैरह, इंची टेप वगैरह, कैंची वगैरह सब कुछ रखते हैं, और ये आपस में सब उलझ भी जाते हैं। तो देखिए इस तरह से अगर आप मेरी इस टिप को फॉलो करेंगे तो आप आगे से आपकी ये रील बिल्कुल भी नहीं उलझेगी। तो इस तरह से आप देखिए डबल साइडेड टेप लगाकर इस पर इस तरह से अपनी रील को चिपका दीजिए, और ये सारी रील एकदम अलग अलग रहेगी, एक भी धागा आपस में उलझेगा भी नहीं। इस तरह से हम दूसरी तरफ से भी डबल साइडेड टेप इस पर लगा लेंगे, और दूसरी तरफ भी हम इस तरह से देखिए इसको चिपका के, और इस तरह से हम दूसरी तरफ भी हम रील लगा लेंगे। इसी तरह से हम चारों तरफ से इसके रील लगा लेंगे, और ये जितनी भी रील होगी हमारी आपस में कोई भी नहीं उलझेगी। तो आप इसमें से रील ऐसे लगाकर इसको जब भी आपको ज़रूरत हो, जो भी आपको स्टिचिंग वगैरह करनी हो, तो उसमें से एक रील लीजिए और उसको यूज कीजिए और दोबारा से लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका ये बिल्कुल एकदम लगेगा भी बहुत सुंदर बॉक्स, और बिल्कुल आपस में कोई भी रील नहीं उलझेगी, और आगे से आपको बाज़ार से इतने महंगे महंगे रील के बॉक्स के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप घर की चीज़ों से, वेस्ट चीज़ से आप इसको रील के बॉक्स को बना सकते हैं। तो दोनों तरफ भी आप इसमें लगा दीजिए। तो मैं नहीं लगा के दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी हमारी। तो इस तरह का एक स्क्रबर ले लिया है मैंने, स्क्रबर तो सबके घर में होता ही है फ्रेंड। तो इसको स्क्रबर पे भी हम देखिए डबल साइडेड टेप ही लगा देंगे। तो मैंने इस डबल साइडेड टेप ले ली है, और इस पर भी मैं इस तरह से ही डबल साइडेड टेप लगा लूँगी। ऊपर से इसको ऐसे उतार लीजिए आप। अगर इस वाली टिप को आप फॉलो करेंगे तो आपके सब सामान एकदम बिल्कुल बढ़िया तरह से सेट हो जाएगा। तो देखिए इसकी जो ऊपर का ये ढक्कन है, इस पर हम ये स्क्रबर चिपका देंगे, और इस पर देखिए हम कैसे इसको यूज करते हैं। जो आपकी ये सुई वगैरह होती है ना, तो कई बार हम रील के डिब्बे में से निकालते तो हमारे हाथों में भी लग जाती है। तो इस तरह से आप अपनी सुई वगैरह को सारे इस तरह के इस वाले स्क्रबर पर लगा दीजिए। बड़ी छोटी जैसी भी आपकी सुई है, सबको इस पर लगा दीजिए, और जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो तो आराम से एक सुई निकालिए और यूज कीजिए, उसके बाद दोबारा लगा दीजिए। तो देखिए है ना ये बिल्कुल कमाल की टिप। तो उसके बाद इसमें जो बाकी सामान हम रखेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जितनी भी सुई है ये मैं सारी इस पर लगा लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने इसमें बटन वगैरह भी रख दिए हैं, और ये इंची टेप है, इंची टेप को भी आप ऐसे खुला ना रखें, इस पर या तो टेप लगा दीजिए फ्रेंड। मैं इस पर रबड़ लगा रही हूँ, तो इस तरह से आप ये सिंपल रबड़ होता है जौन सा, उस पर लगा कर आप इसको इसमें रख दीजिए। इसमें बिल्कुल भी आपका ये खुलेगा भी नहीं, ना ही टूटेगा। तो इस तरह से मैंने इसमें कैंची भी रख दी है, और छोट पेचकस वगैरह जो हमारे मशीन के होती हैं तो वो सब हम इसमें रख देंगे। तो है ना ये फ्रेंड कमाल की टिप। और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये रील का बॉक्स तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप भी अपने रील के बॉक्स को ऐसे तैयार कीजिए। देखिए खोलने के बाद भी कितना सुंदर लग रहा है ये, और सारा सामान हमारा कितना अच्छा मैनेज हो गया है, और कितना बढ़िया लग रहा है। तो आगे से आप रील के बॉक्स पर बिल्कुल भी पैसे ना लगाएं, और इस वाली टिप को फॉलो करें। और अगर अच्छी लगती है आपको ये टिप तो अपने फैमिली और फ्रेंड से भी जरूर शेयर करें, ताकि इस यूजफुल वीडियो का वो भी लाभ उठा सके और अपने पैसों की वो भी सेविंग कर सके। तो मैंने ये चिट बटन भी रख दिए थे, पहले मैं इसमें रखना भूल गई थी। इस तरह से मैंने सारा मशीन का सामान जो स्टिचिंग का है सब इसमें रख दिया है। तो फ्रेंड्स इस चैनल पर मैं आपके लिए छोटे छोटे टिप्स, ट्रिक्स एंड आइडियाज़ लेके आती रहती हूँ। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में कमेंट करके बताएं कि कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी है। तो इस वीडियो को ज़रूर अपनी फैमिली और फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। हैव ए नाइस डे फ्रेंड, बाय बाय।